सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश के लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हेल्पलाइन पर लोगों की शिकायतें सुनते हैं और तुरंत उसका समाधान भी करते हैं। हाल ही में शिकायतकर्ता नवीन माथुर ने पिता को पैरालिसिस अटैक आने के बारे में बताया और उनकी पेंशन नहीं बढ़ने की समस्या बताई थी। सीएम ने उनकी समस्या के समाधान के लिए एसपी और कलेक्टर को निर्देश दिए, साथ ही मानवता के नाते उनके पिता को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया। और इसी तरह सुनैना नाम की लड़की ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्कॉलरशिप से संबंधित परेशानी बताई थी। सीएम ने लड़की की स्कॉलरशिप की समस्या का निराकरण करने के लिए निर्देश इंजीनियरिंग कॉलेज के विभाग को दिए। इसके बाद सीएम ने दोनों को कॉल कर स्मार्ट सिटी दफ्तर भी बुलाया। सडनली मैंने चेकिंग करने का काम किया है और दो शिकायतकर्ताओं से मैंने सीधे बात की है। उसमें एक शिकायतकर्ता से जो बात की तो उनने अपनी छात्रवृत्ति की परेशानी बताई कि छात्रवृत्ति मिल जाए, तो मैंने उसको संज्ञान में ले लिया है। उनकी छात्रवृत्ति हम दिलाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रवृत्ति की लेकर के बात की। दूसरा एक विषय है कि साइबर के माध्यम से उनका अकाउंट हैक हुआ है, तो हैक को लेकर के पुलिस से वो मदद चाह रहे थे। उनकी मदद के लिए भी मैंने एसपी को बताया कि इनके संबंध में त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। उनने कहा कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, पेंशन की राशि के आधार पर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, थोड़ी कठिनाई है, कुछ मदद करना चाहिए। तो मैंने अपने सीएम फंड से उनके लिए 1,00,000 की राशि मंजूर की है ताकि उनका अपना गुजारा ठीक से हो सके। ये मेरे चेक करने का मतलब ये है कि जो सीएम हेल्पलाइन है इसको प्रभावी करना, जिनकी कठिनाई है उनको कठिनाई में मदद करना।